विजय सर जो है, मिस्टर विजय सिंह, ये विक्टर किंग परफॉर्मिंग आर्ट के डायरेक्टर एंड कोरियोग्राफर हैं। इन्होंने ड्रीम्स म्यूज सिने प्रोडक्शन हाउस कोलकाता में काम किया हुआ है, एलिसा डांस स्टूडियो जो कि रांची में स्थित है, वहाँ के वे मेंबर भी हैं, और साथ ही जितने भी तमाम बड़े स्कूल जैसे कि डीएवी सेंट जोसेफ स्कूल, जवाहरलाल नवोदय महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय सेंट एंथनी स्कूल, आईएसएम धनमा जैसे बड़े संस्थानों में इन्होंने कोरियोग्राफी का काम किया है, डांस बच्चों को सिखाने का काम किया है। तो काफी इनका कद है, बड़ा है, काफी नाम बड़ा है। तो इनका हमारे साथ जुड़ना देजागु परिवार के लिए काफी ये सुखद है, और हम सभी देजागु परिवार की ओर से सर का बहुत बहुत वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना समय हमें दिया है। तो स्पीच के लिए चाहूंगा मैम कि आप कुछ कहें। पहले तो मैं सारे अपने देजागु परिवार को बहुत बहुत थैंक यू सबसे पहले ही कह देना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे साथ में टीचर्स बहुत दिनों से लगे हुए हैं, और ऑल्दो इट इज कंडक्टेड ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, गूगल मीट पे हम लोग कर रहे हैं इस चीज को, तो समझ में आती है ये बातें कि कहाँ पर हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसे सामने में डांस सिखाना और मोबाइल के थ्रू या फिर इस तरह से इंस्ट्रक्शन देना थोड़ा टफ होता है, बट आवर चिल्ड्रेन दे हैव ट्राइड अ लॉट, एंड टुडे वी वेरी विद ग्रेट प्राउड आई इनवाइट मिस्टर विजय सिंह। विजय सिंह सर जो है, जैसा प्रियजीत सर ने बताया, विक्टर किंगडम परफॉर्मिंग आर्ट के डायरेक्टर और कोरियोग्राफर है, और इन्होंने धर्मेश सर के साथ भी वर्कशॉप किया हुआ है। धर्मेश सर रिनाउंड कोरियोग्राफर हैं जो कि डीआईडी में परफॉर्म कर भी चुके हैं, और आज के डेट में वो जज हैं, और साथ में विजय सिंह सर उनके साथ वर्कशॉप भी किए हुए हैं। ये अपना खुद का परफॉर्मिंग आर्ट रन कर रहे हैं कोलकाता में। ही इज ऑल्सो मेंबर ऑफ अलीशा डांस स्टूडियो रांची, एंड ही हैज वेरी वास्ट एक्सपीरियंस इन डांसिंग। तो डांस में इनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, साथ में बच्चों को ट्रेनिंग करने में बहुत इनका योगदान रहा है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर के, विजय सिंह सर के, कि इस लॉकडाउन में भी ये वो तैयार हुए, क्योंकि ऑलरेडी इनका सारा जो क्लासेस है वो बुक्ड रहता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम ऑल्सो टू टेक आउट टाइम। सो ऑन बिहाफ ऑफ देजागु family, entire family, I Dr. Swati Srivastava welcome you sir. Sir, मैं चाहूंगी विजय सिंह सर कि थोड़ा सा आप भी दो शब्द कुछ बच्चों को बोल करके और फिर हम लोग स्टार्ट करें इस हमारे डांस क्लास का। सबसे पहले हाँ, थैंक यू मैम, डॉक्टर स्वाति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देजागु स्कूल ऑफ एनिमेशन में जुड़ के। मैंने सोचा था कि ऐसा प्लेटफॉर्म को ये करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन का उधर काम चलती है कोलकाता तरफ। आपने कॉल किया, मुझे भास्कर सर ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है कि आप करना चाहिए, तो मैं बोला नहीं जरूर। अस्वाति मैम, आपने हमको कॉल किया, बताया कि नहीं ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा लॉकडाउन में आप लोग के स्कूल के सारे स्टाफ टीचर इतने मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इतने सारे मेहनत कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने मेजर शिखा सुरभी जी का, उनका भी देखा मैंने, आप लोग इतने मेहनत करके बच्चों को बहुत सारा चीज जानकारी दे रहे हैं, सभी को बहुत सारा चीज बता रहे हैं। ये स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं कोशिश करूंगा आप डॉक्टर स्वाति जी मैम कि आपका स्कूल में आऊं और बच्चों को बहुत अच्छा अच्छा डांस का बारे में बताऊं, सिखाऊं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वी विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। अगर ऐसा आप वहां से यहां आकर अगर कुछ भी टिप्स हमारे बच्चों को दे देते हैं, तो बच्चों में एक अलग एनकरेजमेंट हो सकता है, वो एक अलग मोटिवेशन हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोग भी देख रहे हैं बच्चों में कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से इरिटेशन वगैरह भी बहुत ज्यादा बच्चों में दिख रहा है, तो बीच बीच में ये सब प्रोग्राम कराने से बच्चे थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं, तो जैसे ही लॉकडाउन खुलता है मैं जरूर चाहूंगी कि आप आकर के हम लोगों को हेल्प करें। ये एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, ये गॉड, ये भगवान से, नटराज जी से जुड़े हुए हैं,
और मैं कोलकाता में ड्रीम सिने प्रोडक्शन हाउस का प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, वहां पर सारे काम को देखता हूँ। और मेरा खुद का डांस एकेडमी है जिसमें विक्टर किंगडम परफॉर्मिंग आर्ट, उसमें डांस एक्टिंग एंड मॉडलिंग तीनों चीज होती है। उसमें हम लोग बच्चे को तैयार करते हैं, उसके बाद हम लोग जैसे बंगाली सीरियल हो गई या हिंदी या कुछ भी डांस रियलिटी शो हो गई, उसमें हम लोग आगे के लिए भेजते हैं। तो वहां के बच्चों को मैं कोशिश करूंगा या इसमें से जज करके कि जो बेटर होगा, मैं कोशिश करूंगा मैं उन्हें कोलकाता ले जाऊं और उनको ट्रेनिंग देके आगे तक पहुंचा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप बच्चे लोगों को गॉड ब्लेस यू कि अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, मैं आप जज करने के लिए रेडी। यस सर, सो आई थिंक तेजित सर यू कैन स्टार्ट द प्रोग्राम। ओके सर, थैंक यू मैम। मैम आई हैव वन डाउट, कैन सर टेल बेस्ड ऑन विच ऑल पैरामीटर्स किड्स विल बी जज्ड? यस यस सर, सर प्लीज काइंडली गाइड आवर चिल्ड्रेन, हमारे बच्चों को बता दीजिए कि डांस करते वक्त क्या चीजें ऐसी खास होगी जिनको आप ध्यान रखिएगा, मतलब आप उस पर मार्किंग कीजिए। बच्चे आप लोग को एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है, एक्सप्रेशन यानी वो आपका जैसे कोई भी मूवमेंट को आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं, कोई भी चीज को दर्शा रहे हैं, तो वो एक्सप्रेशन द्वारा दर्शाया जाता है। और दूसरा जो बॉडी लैंग्वेज, जैसे मैं किसी चीज को बोल रहा हूँ जैसे या तुम या मैं, तो मैं जब दिखाऊंगा तो मैं या तुम दिखाऊंगा तो बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखना है, अपना एनर्जी लेवल बनाए रखना है। ओके, अपना एनर्जी लेवल बनाए रखना है और मूवमेंट जैसे बोल के साथ जैसे लिपसिंग किया जाता है, जैसे मेल या फीमेल दोनों का वॉइस आता है उसमें लिपसिंग किया जाता है, तो लिपसिंग को आप लोग ध्यान पे रखिएगा। ओके, बाकी मैं देख के जब बताऊंगा तो आप लोगों को बता दूंगा कि क्या क्या जरूरी है। सर वन सेकेंड, भास्कर सर डू यू वांट टू प्ले हिज वीडियोस? सर के वीडियोस आप 2 मिनट के लिए चला सकते हैं। यस मैम, यस मैम, रेडी सर। यस 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 मैम, रेडी। May I come in? वेरी नाइस। एक डांस थी, मैं भेज दूंगा आप लोगों को, बोला भेज नहीं पाया। यस ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट। ओके, थैंक यू भास्कर सर। तो विजय सर के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं, वे लोग रहते हैं अक्सर खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आपको हुनर जो है अलग अलग राज्यों में, बिहार हो, झारखंड हो या कि कोलकाता हो, 3-4 स्टेट्स जो मैं देख पा रहा हूँ आप अपना डंका बजा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे जो डिजावो के बच्चे हैं आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहले हम जो हमारा पहला पार्टिसिपेंट है उनका नाम है ईशान, जो कक्षा 6 से है। ईशान जी, छोटी उम्र का, उन्होंने काफी मेहनत की है। तो ईशान यदि आप हमारे साथ हैं तो आप रेडी हो जाएं। ईशान क्लास 6 बने के बोल है आपको सभी। ईशान अपना कैमरा थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। ओके, थोड़ा सा पीछे।
आपने बहुत अच्छा किया. ओके थोड़ा एक्सप्रेशन पे ईशान चले गए क्या? ईशान एक्सप्रेशन पे बेटा आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो लिस्टिंग करते हैं ना ईशान, वीडियो ऑफ नहीं करो बेटा. हाँ एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिएगा ईशान, और बॉडी लैंग्वेज पे, जैसे दिल दिया है जान तुझे दूंगा, उस स्टेप डांस करते वक्त अपना जो हैंड्स मूवमेंट्स वगैरह है उसको पूरा खोलना है बेटा. ओके पूरा जब तक खोलेंगे नहीं बॉडी को हम चटा के डांस करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा. बॉडी लैंग्वेज जो बॉडी पोस्चर जो बनता है वो हमारा सही नहीं बनेगा. तो हम लोग जब भी डांस करेंगे बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से सुधार के उसको बॉडी को पूरा खोल के तब डांस करेंगे. आपका डांस बहुत अच्छा रहा. ओके मतलब बिल्कुल सर. और ये जो है काफी डिफिकल्ट होता है, और ये अकेले करना और कैमरे के सामने आकर डांस करना सही बात, बहुत डिफिकल्ट होता है. हम लोग धीरे धीरे उनको और अच्छे से ट्रेन करेंगे. और दूसरी जो हमारी पार्टिसिपेंट है आराध्या, क्लास फर्स्ट की ये बच्ची है, 52 गज का सॉन्ग पे डांस करेंगी. आराध्या है हमारे साथ, आप आ जाए. हेलो जिनका आराध्या, वो कैमरा अपना अर्नब आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए. भैया सर एक वेस्टर्न डांस था आपको पहले करना. ओके 52 गज. वेल 52 गज के बाद हम लोग शुरू करेंगे. ओके ओके मैम. Okay, very good friend. Let's start. Thank you.
वेरी गुड राधिया, वेरी गुड राधिया, सामने आइए। बहुत अच्छा किया आपने, हाँ पावन गज का डांस आपने बहुत ही सुंदर डांस किया। ड्रेस जो आपने कॉस्ट्यूम जो चुना वो भी बहुत सुंदर है, मेकअप भी आपका बहुत अच्छा है। आपने बहुत कोशिश किया कि मैं अच्छा प्रदर्शन कर, आपका डांस बहुत अच्छा रहा पावन गज पे। ओके, एक्सप्रेशन वगैरह भी बहुत अच्छा, काफी ठीक रहा, बॉडी लैंग्वेज भी उस गाने के साथ, बावन गज के गाने के साथ अच्छा ही जा रहा है। आप लोग, आई होप कि यदि आप लोगों को ट्रेनिंग और अच्छे से दिया जाए तो बहुत अच्छा डांस। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। हाँ वेलकम। थैंक यू सर। नेक्स्ट सर, वी हैव अदर वेलकम वेलकम डांस। Welcome dance. Welcome dance, yes. Ma'am was supposed to do for all the kids and you, which she could not do. So, Priyajit sir, you can call first Kajal ma'am. Kajal ma'am. Yes. Rohi, आप wait कर लें। Kajal ma'am का जो welcome dance है, आप हमारे बच्चों को और प्रोत्साहित करने के लिए वो कर रही हैं, तो एक बार Kajal ma'am आ जाए हमारे बीच। सारे बच्चे वीडियो ऑफ करके रखेंगे, वीडियो ऑफ। जो कैमरा पकड़े है वो सही से पकड़िए, एक भी फेस का एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। Thank you.
बहुत ही प्यारा सा डांस था ये सर, इज नॉट देयर। हाँ सर है, सर है हमारे साथ। सर यू हैव टू अनम्यूट, सर योर इज म्यूट, यू हैव टू अनम्यूट फर्स्ट। तो ध्यान, सॉरी ध्यान, आपका बहुत ही अच्छा रहा मैम, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और जो स्कूल है उसमें आप इतने अच्छे से ये करके प्रैक्टिस करके आप इसमें ये कि हमको बहुत अच्छा लगा आपका जो ड्रेस है, ड्रेसअप को जो बंगाली में आप दिए, ये गाना बंगाली ये में जाता है, तो वो डांस को आप बहुत अच्छे से निभाए, आपने कोशिश से किया। ये गाना लगभग लंबा है, ये गाना लंबा है और जो नहीं करते हैं डांस उसके लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि डांस बहुत हार्ड और एनर्जी का चीज है, तो आपने बहुत अच्छा निभाया इस चीज को, चलिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। शी हैज गाइडेड अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, हमारे बहुत ढेर सारे बच्चों को इन्होंने भी गाइड किया है आज के परफॉर्मेंस में। और एक और मैम है, उन्होंने भी बहुत गाइड किया है, एक सर है, तीन टीचर्स मिलकर के आज के इवेंट को गाइड किया है इन लोगों ने। नहीं मैम, वन बाय वन यू विल सी देयर परफॉर्मेंस आल्सो। आप लोग जितने भी गाइड किए हैं बहुत अच्छा किए हैं मैम आप लोग तक को, और मैं जब आऊंगा तो आप लोग के साथ मैं डांस करूंगा वहां पे जरूर, और आप लोग बहुत अच्छे वहां पे जितने भी जान रहे हैं, आप लोग जितने भी कर रहे हैं बच्चों के लिए बहुत कर रहे हैं, तो थैंक यू। थैंक यू अगेन। द नेक्स्ट रुचि क्लास थर्ड से है। सबसे पहले मैं सबसे पहले दो लाइनें कहूंगा कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो बिल्कुल ये छोटा सा जमीन है, छोटा सा प्लेटफॉर्म है, हम इसे आगे और तो रूही रेडी, रूही थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कीजिएगा आप थोड़ा। बहुत ही अच्छा रोही, और नजदीक आइए आइए बेटा, बहुत ही अच्छा डांस किया बेटा। हाँ कौन सिखाया डांस, खुद से प्रैक्टिस किए क्या? यस सर। वो मोमेंट अच्छा था, वो घुंघरू टूट गए, आप बता रहे थे कि हाँ घुंघरू सही में टूट गए थे, तो अच्छा प्रैक्टिस है और एनर्जी भी बहुत अच्छा है, मोमेंट भी बहुत अच्छा है, चाहेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करके आगे की ओर बढ़े, ठीक है, मेरा आशीर्वाद है। ओके बेटा बहुत अच्छा रहा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वेलकम। बहुत ही प्यारे से डांस के बाद रुचि के ऋषि क्लास फर्स्ट से मुकाबला सॉन्ग के लिए आएंगे ऋषि। ऋषि है हमारे साथ, रूही कैमरा ऑफ कर दीजिए प्लीज। यस
अच्छा ऋषि के बाद उत्कर्ष, मयंक, सुगंध लता, आप लोग प्रिपेयर रहे तब तक ऋषि आ जाए। ऋषि कौन है, हाथ उठाइएगा प्लीज। ऋषि ओके, थोड़ा कैमरा सही कीजिए ऋषि। ओके वेरी गुड। थैंक यू सर। हाँ वेलकम। आप डांस कैसे सीखे मुक्काला? अपने से सीखा। बहुत अच्छा रहा। इसमें जानते हैं कौन डांस किए हैं? कौन? प्रभु देवा सर, वो डांस के लेजेंड है, मेरे भी आइडिया है, उनको बहुत मानते हैं, तो वो डांस किए हैं। तो आपका डांस आप बहुत अच्छा किए हैं, आपका लैंग्वेज भी बहुत अच्छा जा रहा है, प्रॉपर प्रैक्टिस आपको दिया जाए तो आप बहुत अच्छा करोगे। आपका डांस बहुत अच्छा रहा बेटा, ठीक है, एनर्जी गुड, वेरी गुड बेटा। थैंक यू सर। हाँ नेक्स्ट। बिल्कुल, मुकाबले के इस दौर में, मुकाबला के बाद धीमे धीमे से हमारे बीच उत्कर्ष क्लास टू से, गाना धीरे धीरे से, लेकिन अब फास्ट फास्ट आ जाओ। ऑल द बेस्ट, स्टार्ट। चांदनी रात में गोरी के साथ में आसमान में देखूंगा से छोले, मैं तो तुझे देख गया।
कर्ष आपने बहुत अच्छा कोशिश किया है बेटा, बहुत अच्छा लगा आपका डांस। सिर्फ नेटवर्क प्रॉब्लम से कुछ कुछ कट रही थी, नेटवर्क प्रॉब्लम से आपका जो वीडियो है हल्का हल्का रुक जा रही थी। मैंने मैंने फिर भी देखा कि बहुत अच्छा आपने खुद से कोशिश किया डांस, आपका एनर्जी लेवल गुड अच्छा था, बॉडी लैंग्वेज को सुधारने की जरूरत है, बाकी सब ठीक है बेटा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छा से सीखिए। गॉड ब्लेस यू। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, हमने देख लिया डांस, बहुत अच्छा रहा, वेरी गुड, थैंक यू सर। हाँ वेलकम, नेक्स्ट सर। बिल्कुल, उसके बाद जो है उत्कर्ष के बाद मयंक है क्लास फर्स्ट से, गणपति बप्पा मोरिया। तो गणपति पापा आपको स्वस्थ रखे, सुंदर रखे, आपकी स्कूल सारे टीचर प्रिंसिपल सभी को इस कोरोना काल में सब स्वस्थ रहे। आपका डांस एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छा रहा, ठीक है बेटा, और बॉडी लैंग्वेज भी, ये छोरिया स्टेप्स वगैरह, एक्सप्रेशन वगैरह सारा गुड रहा। चलिए गणपति पापा आपको और आगे बढ़ाए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर। हाँ वैसे बिल्कुल, मैं फ्रेम में देख भी पा रहा था, पीछे गणपति बाबा की तस्वीर लगा रखा था। बहुत अच्छे मयंक। उसके बाद फिर सुगंधलता आ रही है क्लास थर्ड से, लेफ्ट राइट सॉन्ग के साथ। उसके बाद प्रणवी और अनुकृति आप लोग तैयार हो जाएं, जब तक सुगंधलता का डांस हो रहा है। तो सुगंधलता क्लास थर्ड। तेरी लेफ्ट राइट हाल है।
ये बेटा चलिए बहुत ही अच्छा कोशिश रहा आपका, और डांस कमर से लेफ्ट राइट वगैरह मूवमेंट्स वगैरह बहुत अच्छा रहा, और अच्छा से प्रैक्टिस खुद से किए ना बेटा, खुद से प्रैक्टिस किए ना, बहुत ही अच्छा किए हैं। मैं जब कोशिश करूंगा, मैं जब वहां आऊंगा आप लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग। ओके वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट, थैंक यू सर। हाँ वेलकम बेटा। ओके नेक्स्ट अनुकृति क्लास थर्ड से, आंखों का जो काजल, अनुकृति क्लास थर्ड। अनुकृति कैसे है, कैसे है बेटा? अनम्यूट करो अनुकृति, अनम्यूट करो बेटा। आई एम फाइन सर। गुड। डांस बहुत ही अच्छा रहा आंखों का यो काजल का, आप जो मूवमेंट वगैरह जा रहे, जो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो सही बता रहा है कि वो गाने पे क्या दर्शाना चाह रहे हैं। आप डांस खुद से प्रैक्टिस किए, खुद से निकाले स्टेप? Yes, sir. हाँ बहुत ही अच्छा रहा बेटा, बहुत अच्छा, आप इसी तरह और प्रैक्टिस करते रहिए। गॉड ब्लेस यू। ओके थैंक यू सर। गुड, वेरी गुड, बाय। मूविंग। चलिए अभी कैमरा ठीक से आप सेट कर लीजिए पहले, कि वो पूरा फुल फ्रेम में आ रही है कि नहीं आ रही, बस पैर अभी आ रहा है तो वो उठिए थोड़ा सा ऊपर कीजिए, ऊपर थोड़ा ऊपर उठाइए कैमरा को, और सर फेस कट रहा है उसका, हल्का नीचे थोड़ा नीचे। ओके और थोड़ा नीचे। ओके ठीक है स्टार्ट, इतना पे रखिए कैमरा को, फिर से फेस कर दीजिए। फिर से ऊपर फेस कट रहा है। प्रणवी पूरी आ रही है या नहीं, फोन पे स्क्रीन में दिख रहा होगा प्रणवी कितनी आ रही है, ठीक है ना? अब ठीक है, आ रही है। और उतने पे ही होल्ड करके रखिए कैमरा को।
निकाला सारा? Yes, sir. बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत अच्छा खोज की। कभी घबराना नहीं चाहिए, ठीक है? हम लोग जो करेंगे तभी तो सीखेंगे। मैं भी जब छोटा था तो करते करते सीखा, तो घबराना नहीं बेटा, आपने बहुत कोशिश अच्छा किया। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा, गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर, वेलकम। ओके, देन अनुकृति के, प्रणवी, अनुकृति, आराध्या, आराध्या क्लास थर्ड, चुनरी, जयपुर से मंगवाई। yes, आराध्या के बाद सर मैं अपने लैपटॉप में दिखा रहा हूँ। गाने के साथ और एनर्जी भी बहुत अच्छा है, डांस और थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? और आपका डांस बहुत ही सुंदर रहा, ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू। हाँ, गॉड ब्लेस यू। ओके आराध्या, बहुत ही प्यारा डांस रहा आपका। और अब जो आ रही है नव्या, वो वाकई बहुत अच्छा डांस करती हैं और पर्सनली मेरी भी फेवरेट है। नव्या क्लास फोर। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कीजिए बेटा।
अरे ये बेटा नव्या, वाह बहुत ही सुंदर, इतने एनर्जी दे के डांस किया आपने, बहुत अच्छा लगा। आप डांस सीखते हैं या खुद से कर रहे हैं? सर मैंने कुछ खुद से किया और कुछ मुझे रवि सर ने सिखाया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए रवि सर का धन्यवाद। आपका मूवमेंट वगैरह बहुत अच्छा गया, जितना एनर्जी रहा अभी तक का बेस्ट रहा, ठीक है। सारा मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन जो भी रहता है उससे सारा चीज में बहुत बेस्ट रहा। आप और प्रैक्टिस करिएगा ना, मुझे यकीन है, और मेहनत करिएगा, आप बहुत आगे जाइएगा बेटा। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू, और आगे बढ़िए। हाँ वेलकम, थैंक यू नव्या। अब क्लास थर्ड से ही आ रही है सानवी, उसके बाद है आरव, फिर अदित्री। आरव और अदित्री तैयार हो जाए तब तक सानवी क्लास थर्ड अभी आ जाए। इशारे तेरी करते सॉन्ग के साथ सानवी। आपका डांस बहुत अच्छा, आपने बीट बहुत अच्छा पकड़ा, जो बीट और रिदम जो होती है ना सॉन्ग पे, वो बीट को बहुत अच्छा पकड़ा, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके जो बीट जाती है, 4 बीट का होता है, बहुत अच्छा। आपका वो लैंग्वेज जो बॉडी मूवमेंट से वो भी बहुत अच्छा वेब कर रहा था, आपका बॉडी में वेबिंग है, वेब जैसे वेब होती है ना कोई चीज को, वेब स्नैक जैसे स्नैक जाती है वेब, तो वेबिंग बहुत अच्छा है आपका, जो मूवमेंट है बॉडी का मूवमेंट जो है, लैंग्वेज जो है वो भी बहुत बहुत बेटर है। आई होप कि आगे और अच्छा करे, ठीक है बेटा। आपने बहुत अच्छा किया, ऑल ओवर बहुत अच्छा किया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, गुड। ओके सानवी, देन हमारे पीछे आ रहे हैं आरव क्लास 2 से, आंख मारे और लड़की आंख मारे सॉन्ग पे। तो आरव आ जाए।
Yes, sir. अच्छा रहा सारा मोमेंट वगैरह कि सारे गाने को आप बता रहे थे, जितने भी गाने जा रहे हैं उसका मोमेंट वगैरह बता रहे थे कि गाना में क्या क्या बोल रहा है। बहुत अच्छा आपने सारा चीज को कवर किया, एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा था बेटा, ठीक है। और प्रैक्टिस करिए और मेहनत कीजिए, आई होप कि आगे और अच्छा आगे जाइएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। ओके आरव, काफी एनर्जेटिक डांस रहा आपका। और अदित्री आ रही है क्लास फोर्थ से हमारे बीच इलीगल वेपन गाने पे डांस करने के लिए। अदित्री क्लास फोर्थ। ओके प्रियजीत सर कॉल दीक्षिका मैम। बीच में। ओके तो हमारे बीच आ रही हैं दीपशिखा मैम, तो प्लीज दीपशिखा मैम आ जाएं आप। ओके मैम स्टार्ट कर सकते हैं। कभी है क्या तुम विजय सर कुछ फीडबैक देंगे मैम को? इतना थोड़ा सा ही डांस था। अच्छा देखें। ओके सर अदित्री इज रेडी नाउ। थोड़ा सा ही डांस था मैम। यस सर। अच्छा ठीक है, आप शुरुआत बहुत अच्छा किए और
और लोग रहती तो देखता मैं क्या डांस हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा किए. चलिए बहुत अच्छा लगा आपका डांस देख. ओके, टेक्निकल इशू की वजह से रित्री नहीं कर पाई थी, तो अदित्री, अदित्री आ जाए फिर से एक बार. अदित्री कैमरा सही है? वेरी गुड. आपने बहुत कोशिश किया इस सॉन्ग को, इस डांस को फॉलो करने का बहुत कोशिश किया. हुआ भी ये मूवमेंट्स वगैरह, फिर आगे का ये स्टेप्स आगे का बहुत अच्छा रहा बेटा, आपने बहुत अच्छा कोशिश किया. हाँ, बॉडी लैंग्वेज भी ठीक है, एक्सप्रेशन पे और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. एक्सप्रेशन जो है ना, ये फेस उसको गाने के साथ मिलाइएगा, बीट को पकड़िएगा. आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर. हाँ, वेलकम. अब हम लोग विजय सर को थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा रिजल्ट प्रिपरेशन के लिए 5 to 10 minutes. और तब तक हम लोग कुछ कुछ वीडियोस वगैरह प्ले करते हैं. जी सर, प्रीजीत सर, इज इट ओके? ओके ओके, 5 minutes में. ओके सर, आप व्हाट्सएप कीजिए सर. भास्कर सर, यू कैन प्ले द वीडियोस. यस सर, जो इनके बच्चे हैं जिन्होंने डांस सीखा है. जी जी जी, तो सारे बच्चे देख रहे होंगे कि सर ने जो कोरियोग्राफ करके बच्चों को करवाया है वो कितना ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ है. और सर ने एक ऑफर भी रखा है कि किसी का सिलेक्शन होगा तो मे बी द किड विल गेट अ चांस टू विजिट गुलकंदा.
ओके मैम। आजकल मैम मैं रिजल्ट को क्या करूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा या फिर यहीं से बताऊंगा? सर आप वहां से भी बता दीजिए और जो रिजल्ट है वो व्हाट्सएप हो जाएगा। हाँ, वो आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप खुद ही बताइएगा सर। लास्ट वीडियो ओके विक्टर सर, सॉरी विक्टर विजय सर। तो रिजल्ट तैयार है हमारा। डॉक्टर स्वाति जी मैम, आपके स्कूल के सारे बच्चे बहुत अच्छे किए, सारे बच्चे में वो टैलेंटेड है, मैंने इनको निखारने से। एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है कि जब रेगुलर क्लासेस होती है तब ट्रेनिंग देना आप भी जानते हैं कि थोड़ा ज्यादा आसान होता है। अभी जो भी टीचर्स ने ट्रेनिंग दिया है वो सिर्फ ऑनलाइन के ही जरिए दिया है, यही गूगल मीट के जरिए ही दे पाई है, बट हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है और टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की। तो मैम का जो डांस वीडियो है था वो भी बहुत सुंदर, उन लोगों भी बहुत अच्छा किए, और सारे स्कूल परिवार को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, इतने अच्छे मैच किए। चलिए और रिजल्ट हम बता रहे हैं और व्हाट्सएप भी कर देंगे मैम आपको। एक्सक्यूज मी सर, सबसे पहले बच्चों को प्रोग्राम को होस्ट किए प्रियजीत जी, प्रियजीत सर जो है प्रोग्राम का सारा एंकरिंग वही किए, उनको भी धन्यवाद। भास्कर सर आपने हमको इस स्कूल से मिलाया, ज्वाइन कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे मिलके सारे टीचर और प्रिंसिपल जितने भी हैं, सारे मेंबर सबसे मिलके मुझे बच्चों से मिलके बहुत अच्छा लगा। तो इसमें सारे बच्चे ने डांस बहुत अच्छा किया। एक्सक्यूज मी सर वन सेकंड, सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कैमरा ऑन कर लीजिएगा, इधर से कुछ स्क्रीन शॉट्स लिए जा रहे हैं, सारे बच्चे कैमरा ऑन अपना कर लीजिएगा और साउंड म्यूटेड रहिएगा, कैमरा ऑन कीजिएगा प्लीज। ओके सर प्लीज स्टार्ट। हाँ
डांस सभी ने बहुत अच्छा किया, किसी का मैंने मूवमेंट्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, बीच में प्रॉब्लम हो रही थी, बॉडी लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन सभी का जो परफॉर्मेंस है, खुद से जो मेहनत करने का जो जज्बा है कि मैं डांस करूंगा और डांस को आगे ले जा रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं डांस को बहुत पसंद करता हूँ और आप लोगों ने डांस किया, मुझे बहुत खुशी हुई। तो जो भी पढ़ाई करते हैं या फिर कोई भी फील्ड में जितने भी मेहनत करते हैं, आज नहीं तो कल वो आगे जाते हैं। आज कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया, नेक्स्ट टाइम और बेटर मेहनत करने से आगे जाते हैं। कोई हारता तो कोई जीतता है। इसमें से तीन जन को मैंने सिलेक्शन किया है। फर्स्ट जो है इशारे तेरे कंगने में डांस किए है क्लास थ्री की सानवी। सानवी जो है उनका सारा मूवमेंट वगैरह सर का किसी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया है आई गेस। बस थोड़ा म्यूट, नेटवर्क इशू की वजह से म्यूट हो गए हैं, वो आ जाएंगे जस्ट अ सेकंड। विजय सर आर यू देयर? भास्कर सर आप कांटेक्ट कर लें एक बार सर से, मेरी बात हो रही है उनसे। तो जी जस्ट सर सारे बच्चे बस दो मिनट और वेट कर लो, क्योंकि सर का कुछ नेटवर्क इश्यू है, शायद इस वजह से सर नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये सारे बच्चों ने तो बहुत ज्यादा मेहनत किया, ये हम लोग थ्रू आउट देखे कि जो बच्चों का हर ये प्रैक्टिस के बाद उनमें इम्प्रूवमेंट हो रही थी। और साथ ही मैम सही बोल रही थी, ऑनलाइन बच्चों को देखना और ऑफलाइन में बच्चों को गाइड करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। फिर भी हमारे बच्चों ने, सारे बच्चों ने, एवरी वन ऑफ यू हैव प्रैक्टिस अ लॉट, वर्क वेरी हार्ड टुवर्ड्स दिस फाइनल मोमेंट। और आज सचमुच में ये हम लोग का डेजा वू का एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट बोला जाएगा, कि हमारे सारे बच्चे लाइव परफॉर्म किए, वेदर की प्रॉब्लम की वजह से या अलग अलग इश्यूज की वजह से प्रैक्टिस को टीचर्स बहुत माइन्यूटली उतना नहीं भी देख पाए, लेकिन फिर भी आप लोग अपने अपने लेवल पे मेहनत करते गए और आज सबका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, सब ने अपना बेस्ट दिया है। स्पेशल थैंक्स टू ऑल द पेरेंट्स ऑल्सो, सारे पेरेंट्स बच्चों के साथ कंटिन्यूअस लगे रहे, कई पेरेंट्स अपने कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को छोड़ के भी बच्चों के साथ लगे रहे, उसके लिए वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल द पेरेंट्स। हमेशा डेजा वो ये कहता है कि वो अपने थ्री पिलर मॉडल पे काम करता है, जिसमें कि फर्स्ट पिलर होते हैं हमारे स्टूडेंट, सेकेंड पिलर होते हैं हमारे टीचर्स और थर्ड पिलर होते हैं हमारे पेरेंट्स। और आज ये प्रूफ हो गया है कि डेजा वू का जो तीनों पिलर है वो बहुत ही स्ट्रांग होल्ड किए हुए है डेजा वू को। और जब तक ये तीनों, टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स एक साथ मिलके काम करते रहेंगे, हम लोग अपने बच्चों को आसमान छूने से नहीं रोक सकते हैं। तो थैंक्स टू ऑल द टीचर्स ऑल्सो। आई थिंक विजय सर हैज ज्वाइंड अगेन। विजय सर आर यू हियर? भास्कर डिड यू गेट टू कनेक्ट विद विजय सर? एक्चुअली उनका आईडी तो शो कर रहा है, पर पता नहीं क्या इश्यू है।
अगर हो सके तो उनसे व्हाट्सएप पे रिजल्ट अगर मंगवा लेते तो यू कैन ऑल्सो अनाउंस. सर इज देयर? यस सर, प्लीज अनम्यूट योर्स. हेलो. यस सर, वी कैन हियर यू सर. क्या हुई ना, मैंने मैंने ध्यान नहीं दिया था वो वीडियो, मतलब चार्जिंग पे, मतलब वो चली गई थी. तो बहुत सारा काम रहती है, वीडियो का भेजना पड़ता है ध्यान से. सॉरी ऑल ऑफ यू, सॉरी मैम. तो सारे बच्चे रेडी हैं. वो मैंने सानवी का नाम लिया था फर्स्ट. बेटा सानवी आप वेरी गुड. बेटा आपने बहुत अच्छा किया डांस, और आपका मूवमेंट्स वगैरह सारा, जैसे एक्सप्रेशन वगैरह, ऑल ऑफ एक्सप्रेशन बहुत सारा अच्छा था. बॉडी लैंग्वेज आपका बता रहा था डांस के बारे में, कि जो डांस आप कर रहे थे, ठीक है, इशारे तेरे कंगने, उस पर बता रहा था कि बॉडी लैंग्वेज सही जा रहा, मूवमेंट्स वगैरह जो बीट मिलती है वो बीट पे बहुत ही सुंदर जा रहे थे बेटा आप. एनर्जी लेवल आपका बहुत गुड था. तो सारे मिला के लोग आपने फर्स्ट किया है डांस पे. ओके सानवी, थैंक यू सर. हाँ वेलकम. अब जो सेकंड है, हाँ थैंक यू. हाँ, और जो सेकंड है वो है, जो डांस की है वो नव्या. नव्या जो है क्लास फोर की है. नव्या, नव्या ने बहुत अच्छा डांस किया. कांग्रेचुलेशंस नव्या सानवी. हाँ नव्या सेकंड पोजीशन में आई हुई है. नव्या बहुत अच्छा डांस किया. उसका जो एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, मूवमेंट्स, एनर्जी वगैरह. अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो. हेलो नव्या, हेलो. हाँ नव्या, हेलो भास्कर सर. आई थिंक नव्या नहीं जुड़ी हुई हमारे साथ, तो सर आप बताएं कंटिन्यू, हम उन्हें हम कर देंगे बात. उसके बाद जो डांस की है तेरी आंखा का, यो काजल जो डांस की, उसने बहुत अच्छा किया. उन्हें थर्ड पोजीशन दिया जा रहा है वो डांस. आंखों का अनुकृति, अनुकृति जो है उसने बहुत अच्छा डांस किया. तो सारी ये फर्स्ट सेकंड. हाँ वेलकम बेटा. अनुकृति स्क्रीन पे आइए, एफएफ चल रहा है, थोड़ा स्क्रीन पे आइए. तेरी आंखों का यो काजल अनुकृति, आपने बहुत अच्छा ऑल ओवर डांस किया. आपका मूवमेंट्स वगैरह बहुत अच्छा था बेटा, ठीक है. और रिजल्ट में और व्हाट्सएप पे सर को, मैम को मैं भेज देता हूँ. आप लोगों का नंबर, पोजीशन सब बता दिया जाएगा. आप सभी ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार डांस किया, और मुझे खुशी हो रही है कि आप सब ने इतने मेहनत की. मैं आप लोग बिहार मुजफ्फरपुर में आऊंगा और आप सभी को डांस सिखाऊंगा. ओके, और डांस सिखा के रियलिटी शो होती है, बहुत सारे शो होते हैं, उसमें मैं ले जाऊंगा आप सभी को. फिर से ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा. आप सभी बहुत अच्छा किए हैं. ठीक है भास्कर सर. हाँ थोड़ा देर और सर. और हाँ डॉक्टर स्वाति जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतने अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया मैम आपने. बच्चे लोग को हम लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप थोड़ा भी समय अगर हमारे निकाल पाए हैं, तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. और गाइड ही करते रहिए बच्चों को. मेन हम लोग का मोटिव यही था कि कंटिन्यूअस ऑनलाइन क्लासेस कर करके बच्चे भी थोड़े थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो इन चीजों से करने से कहीं ना कहीं रिफ्रेश हो जाते हैं एक बार फिर से. और अब तो डांस वगैरह भी एक बहुत अच्छा, बहुत जगहों पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है उन बच्चों में, प्लेटफॉर्म मिल रही है प्रति, हाँ इसके प्रति जिनको भी है
रुचि उनके लिए तो बहुत ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स भी अब आ गए हैं। मे बी जब हम लोग बच्चे थे तो शायद इतना नहीं था, लेकिन अभी आज की डेट में ये बच्चे बहुत ही लकी है इस मामले में। तो मैं चाहूंगी कि वर्कशॉप भी बीच बीच में आप करते रहिए हम हमारे किड्स के साथ, जैसा होगा आई विल कोऑर्डिनेट विद यू। तो थैंक यू वंस अगेन गरिमा मैम, आपको इसकी थैंक्स बोलना चाहती है गरिमा मैम। काजल मैम जो है, काजल मैम चल। विजय सर मैं भी सर मैं चाहती हूँ डीआईडी से जुड़े हैं तो हम लोगों को भी, हम टीचर्स को भी और बच्चों को डीआईडी के लेवल तक पहुंचाए। एकदम जरूर जरूर, मैं वहां जाऊंगा और कुछ बच्चे मेरे वर्क कर रहे हैं डांस पे, कोलकाता पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हुई है, वहां के कुछ बच्चे आपको पिक भेजूंगा, मैम को मैं पिक भेज दूंगा, आप लोगों को भेज देंगे। डांस डांस जूनियर डांस बांग्ला डांस जो बंगाली चैनल में होती है, उनमें बच्चे सब गए हुए हैं, आप लोगों को मैं देखूंगा दे दूंगा। हम मैं चाहूंगा यहाँ से बच्चे को तैयार करके रियलिटी शो में जो होती है उसमें ले जाऊंगा, और डांस का जो बहुत सारा ट्रेनिंग होती है, सर्टिफिकेट वगैरह होती है, उससे क्या होती है डांस में बहुत सारा प्लेटफॉर्म होती है, कोई फिल्मी दुनिया में जा सकते हैं, कोई स्कूल में अपना जॉब ले सकते हैं, और बहुत सारा करियर है इसमें यदि डांस को अच्छा दिया जाए तो। और बेनिफिट होती है कि सबसे ज्यादा कि स्वस्थ हमारे बॉडी बहुत स्वस्थ रहते हैं और माइंड बहुत फ्रेश रहता है। गरिमा मैम भी आपको बहुत देर से धन्यवाद देना चाह रही है, गरिमा मैम ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आप अपना समय निकाल के और हमारे बच्चों को देखिए, और मैं देख रही थी कि एक एक बच्चे को आपने मोटिवेट किया, बहुत ही पॉजिटिवली उनको रिमार्क दिया, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी वहाँ पे आपने बहुत ही क्लियर कट बच्चों को इंस्ट्रक्ट भी किया कि और क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है। और जैसा कि काजल मैम ने रिक्वेस्ट किया है कि हमारे कुछ बच्चे, अगर आपको लगता है कि आपके गाइडेंस में वो लोग वहां तक पहुंच सकते हैं तो आप जरूर उन बच्चों को आगे बढ़ाएं। हम लोग डेजावू परिवार, डेजावू एक्चुअली थ्री पिलर्स पे काम करता है, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि हम लोग अपने बच्चों पे काम करते हैं, अपने टीचर्स पे काम करते हैं और अपने पेरेंट्स पे भी काम करते हैं। हमारे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, जैसा उनको स्कूल से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो भी बातें बताई जाती है बहुत सपोर्ट रहता है, पेरेंट्स सपोर्ट बहुत अच्छे हैं। मैंने देखा सभी बच्चे का पेरेंट्स बहुत एक्टिव थे कि नहीं, बच्चे लोग कर रहे हैं उनको मोबाइल पकड़ना, साउंड सिस्टम पकड़ना, बहुत अच्छे से ये हुआ। मैंने तो मैं ये करता हूँ कि जरूर मैं वहां पर आके सारे बच्चे, मैंने कुछ कुछ बच्चे को सिलेक्शन रखा अपने माइंड पे कि वो बच्चे को यदि ट्रेनिंग दिया जाए तो वो आगे जा सकते हैं, तो मैं उनको ट्रेनिंग जरूर। और सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी और चाहूंगी कि बीच में कभी एक वर्कशॉप भी अगर हो सके, ऑनलाइन ही सही, ऑनलाइन ही सही वर्कशॉप अगर हो जाए, अभी नहीं फिर एक मंथ के बाद हम लोग, मैं आपको कोऑर्डिनेट करके एक वर्कशॉप जरूर चाहूंगी। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद को भी, बहुत बहुत थैंक यू, दोनों टेक्निकल सपोर्ट में रहे एकदम थ्रू आउट शुरू से लेकर एंड तक, और एंकरिंग में बच्चों को और सबको एकदम एक लय से बांध के रखा, बीच बीच में जो कविता और दो दो लाइन का सुनने के लिए मिला, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। और अच्छा से काम करेंगे तो ऐसा होगा कि हर डेजावू के फंक्शन को आप ही को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। डेजावू स्कूल के सारे सदस्य परिवार को मेरा तहे दिल से फिर से प्रणाम है, और आप लोग स्वस्थ रहे और खुश रहे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर। ओके मैं, ओके बाय, मैं लिफ्ट कर रहा हूं, थैंक यू सर। कुछ बोलना है तो अभी कुछ बोल सकते हैं, अगर शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। बच्चों एक चीज ध्यान रखनी होगी इस बात को कि ये जो कंपटीशन था ये एक बहुत हेल्दी कंपटीशन था, इस बात से मायूस नहीं होना है कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया या आई, हम लोग इस चीज के लिए ये किए ही नहीं है। हम लोगों ने इसका मेन मोटिव यही था कि आप लोग जो है डांस के प्रति रुचि दिखाएं, और जो अभी कंटिन्यूस आपके क्लासेस हुए हैं तो उससे थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स भी हो सके और इसके प्रति आप लोगों का जो एक होता है रुचि वो बढ़े। डांस एक ऐसी चीज है जो
अगर आती है तो आपके पर्सनालिटी को निखारने के लिए एक प्लस बोनस पॉइंट होता है। जैसे आप मार्क्स, जैसे आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं और क्वेश्चन में आपने कहीं पर एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो क्या होता है, वो आपके लिए बोनस पॉइंट होता है, वो आपको ज्यादा मार्क्स दिलाता है। सेम वैसे ही डांस जो है आपके पर्सनालिटी को निखारने में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। अभी आप लोग छोटे हो, बट जैसे जैसे आप बड़े होगे वैसे वैसे इस चीज की फीलिंग बहुत ज्यादा आएगी। आपकी आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है डांस करने वाले लोगों का, बहुत हाई, कहीं वो हेजिटेट नहीं करेंगे, उनका बॉडी लैंग्वेज वैसा हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट की चीज है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चे डेजावू के किड्स जो हैं, सिर्फ ये डांस कंपटीशन के लिए ही नहीं, हर दिन आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट डांस करें, क्योंकि वो डांस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज ऑल्सो, जिसमें आपका पूरा बॉडी मूवमेंट्स होता है। अभी सर ने भी बताया कि आप स्वस्थ रहोगे तो ही आपका माइंड भी लगेगा पढ़ाई में। तो आप लोग आधा घंटा 40 मिनट जरूर निकालो डांस के लिए, एरोबिक्स के लिए, इन चीजों के लिए। और अपकमिंग इवेंट जो है हमारा वो है इंटरनेशनल योगा कॉम्पिटिशन। वी विल बी परफॉर्मिंग दैट ऑन 21st June। 21st June इज इंटरनेशनल योगा डे, तो उसपे भी हम एक कॉम्पिटिशन कराएंगे। वी हैव टू डू दिस अनाउंसमेंट टू ऑल द स्कूल हियर ओनली। यस यस यस, वी विल डू इट, वी विल सून, वी विल डू इट वंस एवरीथिंग इज इन लाइंड अप, वी विल डू इट सून। ठीक है, एनी किड और एनी पेरेंट्स हैज टू से एनीथिंग, अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर कुछ बोलना है तो। ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम हैव लेफ्ट, देन आई थिंक वी कैन क्लोज नाउ। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। भास्कर, यू हैव क्लिक द फोटोज स्नैप ले लिए अपने सारे पार्टिसिपेंट्स का। जैन काजल मैम, दीपिका मैम, वेरी गुड। ये हाँ, ओके, ठीक ठीक, दैट वी विल डिस्कस। ओके बाय मैम। ओके बच्चों, एक और चीज, आप लोग अपना वीडियो जरूर से डाल दीजिएगा अभी किसी ड्रेस में, ताकि हम लोग उसको फेसबुक पर डाल सके। जिन लोगों ने भी नहीं डाला है, नहीं भेजा है, वो हमें डाल देंगे, हम भेज देंगे। यू विल सेंड योर वीडियोस सो दैट वी कैन पुट दोज वीडियोस ऑन FB। ओके ओके, सो वी विल लीव। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू प्रेजी, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू काजल मैम एंड दीपशिखा मैम।